हम कर लेते हैं। अब हमें थोड़ा सा बता दो ये क्या क्या है। ये टेशु है, जेंजी है, तो एक और जेजु है, जेंजी है। हे फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और आज का ये वीडियो किसी ट्रेवलिंग का पार्ट नहीं है, ये एक लोक कथा, एक संस्कृति जो ब्रज की तरफ और बुंदेलखंड की तरफ मनाई जाती है उसका पार्ट है। और इसका नाम है टेशु जेंजी। जिस तरह से अलग अलग त्यौहार होते हैं वो अलग अलग जगह मनाए जाते हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं गोवर्धन ब्रजभूमि का पार्ट है, साउथ में या फिर वेस्ट बंगाल में नहीं मनाया जाता, इसी तरह से ये एक लोक परंपरा है जो कि बुंदेलखंड और एमपी में मनाई जाती है। थोड़ा पार्ट इसका यूपी और करौली, भरतपुर, ग्वालियर, सो एक तरह से ये यूपी, एमपी और राजस्थान तीनों कवर करते हैं। क्यों ये मनाई जाती है इस तरह की चीज़ें और इसके पीछे की क्या कहानी है, टेशु कौन था, जेंजी कौन थी, वो सब हम कवर करने वाले हैं। और ये एक लव स्टोरी होने वाली है क्योंकि इसके पीछे जो भी स्टोरी थी वो लव स्टोरी थी और इसी के बेस पे ये प्रथा चालू हुई। टेशु जेंजी की प्रेम कथा या फिर आप बोल सकते हैं लोक कथा जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये फेस्टिवल कब से कब तक मनाया जाता है। और ये फेस्टिवल विजयदशमी, दशहरा, वो उस दिन से शुरू हो जाता है और उस दिन के बाद 5 दिन तक मनाया जाता है। बच्चे इसमें टेशु जेंजी को लेके घर घर जाते हैं और लोक गीत गाते हैं और उसके बाद उनकी 5वें दिन शादी कराई जाती है और उसके बाद इनको फोड़ दिया जाता है, आप बोल सकते हैं तोड़ दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो मैंने बोला कि 5वें दिन उनकी शादी कराई जाती है, तो अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आज 5वां दिन है, तो पहले 5 दिन का क्या। तो मूवी जिस तरह से फिल्मों में होती है थोड़ी रिवाइंड करते हैं और पहले वाले दिन पे ले जाते हैं जब टेशु जेंजी स्टार्ट हुए। तो चलिए देखते हैं। और ये हम टेशु जेंजी मनाने जा रहे हैं, आज पहला दिन है और देखिए किस तरह से ये एक पुरानी कथा है, एक रिचुअल है, प्रथा है जिसको काफी लोग भूल चुके हैं और जो हमको कायम रखनी है, इसलिए मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और मेरी बेटी है, वैसे हम मुंबई से हैं लेकिन फिर भी हम इसको मना रहे हैं क्योंकि मैंने ये बचपन में बहुत सारे टेशु जेंजी के गीत गाए थे और इसी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को जो पुरानी इससे संबंधित कहानियां हैं अगर आपके पास हैं तो मुझे कमेंट्स में शेयर करिएगा। और देखिए किस तरह से हम दीपक को यहाँ रखते हैं, ये हमारी जेंजी है और ये टेशु है और ये हमने जेंजी को रख दिया। इसके अंदर आपको कोई भी मिट्टी या राख भर देनी है जिससे गर्म ना रहे, जैसे कंसेप्ट रहता है एक तरह से। और ये देखिए कितनी प्यारी हमारी जेंजी लग रही है और इसमें से कितना अच्छा अच्छा आप देख रहे हैं, हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी सी प्रकाश आ रहा है दिए का। बच्चों को हम सिखाएंगे टेशु जेंजी के गीत, बिल्कुल डार्क कर दिया है जिससे आपको रियल में पता पड़े पुराने जमाने में क्या होता था, किस तरह से ये जेंजी है हमारी छोटी सी, इसमें ऊपर भी छेद है आप देख पा रहे हैं और कितनी प्यारी ये लग रही है। और पहले लाइट नहीं थी, इस तरह के गीत गाए जाते थे, बहुत सारे बच्चे आते थे तो इस तरह से बहुत ही मजा आता था, टेशु जेंजी के गीत गाए जाते थे रोजाना। आज माता का अंतिम दिन था तभी से ये चालू होते हैं, आप बोल सकते हैं कि नवमी, जब माता जो 9 देवी होती हैं उनके बाद ये आते हैं लास्ट में। तो फ्रेंड्स अब आते हैं उस लोक कथा या कहानी के ऊपर जिसके लिए ये मनाया जाता है टेशु जेंजी। और
अगर आप जानते हो महाभारत काल में जो युद्ध हुआ था, जिसमें कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें जो भीम थे उनका बेटा था घटोत्कच, और घटोत्कच का जो पुत्र था वो है मारमरिक। तो जब मारमरिक महाभारत के युद्ध में लड़ रहे थे तो उनकी डेथ हो गई, और डेथ होने से पहले उनका जो लव था झेंजी, उनसे उनका नाम रानी का नाम झेंजी ही था रियल में, तो उनसे उन्होंने उनको वचन दिया था कि मैं आपसे शादी जरूर करूंगा, लेकिन क्योंकि वो मर गए तो उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई। तो उन्होंने श्री कृष्ण से बोला कि मैं युद्ध में मरा हूँ और मेरी जो कहानी है वो अधूरी रह जाएगी, और मैं उनको शादी का वचन दे के आया था झेंजी को, तो मैं क्या करूँ। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, उनका सिर 3 डंडियों के ऊपर रख के एक पहाड़ के ऊपर रख दिया और बोला कि झेंजी आपसे शादी कर ले आके, और फिर आप दोनों मर जाइए और अमर हो जाइए। तो इस तरह की वो कहानी है। और उसी के बाद हम क्या करते हैं, जब भी इनकी शादी होती है 5वें दिन विजयदशमी से लेके 5वें दिन तक, उसके बाद इनकी शादी कराते हैं और फिर उनको फोड़ देते हैं, या फिर आप बोल सकते हो तोड़ देते हैं। और इस तरह से ये जो कहानी है वो घटोत्कच के पुत्र मारमरिक और झेंजी की है, जो कि एक लोक कथा के रूप में प्रचलित हुई, और जो भी वो मर गए थे या फिर उनका बलिदान तो समझ लीजिए उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और क्या, तो जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं अभी उनका गठबंधन हो गया है और फेरे पड़ रहे हैं और 7 फेरे पड़ेंगे, और क्योंकि मल्टीपल जेंजी हैं, मल्टीपल टेसू हैं, तो बच्चे खेलने में बहुत मजा आएगा इन लोगों को। अरे वो और उसके बाद इनका गठबंधन तोड़ के इनको फोड़ दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, इनको एंजॉय करिए, देखिए किस तरह से होता है। गरम हो रही है वो जेंजी, एकदम गरम हो रही है। अभी बाल पकड़ लेना इसको, तू घुमा ले इस वाली को, अरे ऊपर से थोड़ा सा पकड़ ले, दिए हुई है मैं बस। हाथ पे ना फैल जाए, बस हो गई शादी, क्लैपिंग कर लो। चलो मैं घुमाया था, कितना घुमाया, ऐसे करके घुमा दे जैसे आपकी कत्ते ऐसे। आप तो रोज टीका, लास्ट में शादी हो गया टीका हो गया, बिना रहूंगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं झेंजू टेसू की शादी हो चुकी है, और ये चिल्ड्रन पार्टी इनको बाहर ले जाके अब इनको बस उड़ा देगी, कुछ पटाखों से उड़ाएंगे, कुछ तोड़ देंगे, कुछ आकाश में उड़ाएंगे, और ये अमर हो जाएंगे। तो बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, और आपके यहाँ पे इसी तरह की कुछ और भी अगर प्रथा है तो वो मेरे साथ शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। टिल देन, बाय।